You remember a few days back, I had made a video on this channel called Slapping Queens of 90s Bollywood. And as promised in that video, I'm back with the male version of that video. Matlab, these are Slapping Kings of 90s Bollywood. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula. Welcome to my YouTube channel. और आज इस चैनल पर मैं आपके लिए Slapping Kings of 90s Bollywood movies लेकर आई हूँ. मतलब वो लोग, वो actors जिन्होंने किसी न किसी सीन में जोरदार थप्पड़ मारा है किसी को. But before I start this video, please, if you've not watched the earlier video, which is Slapping Queens of 90s Bollywood, the link is there in the description box below. You can still watch that video and also on the I button above. So Slapping Kings of 90s Bollywood में जो पहला सीन है ना, वो exactly opposite of the scene that I had shown you in the Slapping Queens of 90s Bollywood. बिल्कुल उसका opposite है. रिमेंबर मैंने आपसे कहा था उस वीडियो में कि माँ के हाथ का थप्पड़ तो किसी ना किसी ने खाया ही होता है, और उस फिल्म राजा जी में गोविंदा ने थप्पड़ खाया होता है अरुणा ईरानी के हाथ का, जो उनकी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही होती है. बट इस फिल्म में ना उल्टा माँ ने बेटे के हाथ का थप्पड़ खाया होता है. एंड दिस इज द फिल्म कॉल्ड बेटा. और बेटा फिल्म में अरुणा ईरानी जो है अपने बेटे को किसी बात के लिए मना कर रही होती है, और उससे उन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वो उनको थप्पड़ मारती है, लेकिन वो बेटा चुप नहीं बैठता, वापस जोरदार थप्पड़ मारता है अपनी माँ को. और बेचारे आमिर खान ना स्लैपिंग क्वींस ऑफ 90s बॉलीवुड में भी एक्ट्रेसेस से थप्पड़ खाते थे, और स्लैपिंग किंग्स ऑफ 90s बॉलीवुड में भी वो थप्पड़ ही खा रहे हैं. यू रिमेंबर जो जीता वही सिकंदर, उस फिल्म में जब वो अपने पापा के पैसे खर्च कर देते हैं बिना बताए पूजा बेदी के लिए, वो एक हार खरीदते हैं, और जब कुलभूषण खरबंदा, जो उनके पापा का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, वो उनसे हिसाब मांगते हैं, तो वो उनको हिसाब नहीं दे पाते बिकॉज ऑब्वियसली वो उन्होंने फिजूल खर्ची में उड़ाया होते हैं. और फिर पड़ता है उनके मुंह पर जोरदार तमाचा, पापा का चांटा. वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं पैसे वापस कर दूंगा. स्लैपिंग किंग्स ऑफ 90s बॉलीवुड में अमरीश पुरी साहब भी कम नहीं है, और ज़्यादातर उन्होंने शाहरुख खान को थप्पड़ मारा है. चाहे फिर वो परदेश मूवी में हो, जब उन्हें लगता है कि महिमा चौधरी के साथ शाहरुख खान ने गलत किया, या अफेयर चल रहा था उन दोनों का और उनके सगे बेटे के साथ गलत हुआ, तो वो शाहरुख खान को थप्पड़ मार देते हैं. और DDLJ का सीन कौन भूल सकता है, जब उनको फाइनली पता चलता है कि ये राज वही राज है जिनसे सिमरन मिली थी यूरोप ट्रिप में, और तब वो शाहरुख खान को इतना जोरदार थप्पड़ मारते हैं, वो भी पूरी फैमिली के सामने. अच्छा, इन द स्लैपिंग क्वींस ऑफ 90s बॉलीवुड मैंने आपको दिखाया था ना कि कैसे श्रीदेवी जो है लाडला फिल्म में हर किसी को थप्पड़ मारती रहती हैं, चाहे उनके मैनेजर हो उनके या अनिल कपूर हो जो उनके साथ इस फिल्म में काम करते हैं. लेकिन इसमें उल्टा अनिल कपूर श्रीदेवी को थप्पड़ मारते हैं लाडला मूवी में, और वो भी काफी जोरदार. बल्कि मैं बहुत मजदूर हूँ जो अपने बदतमीज मालिक का दिया हुआ बोनस उन्हें सूद समेत वापस लौटाता हूँ. स्लैपिंग किंग्स ऑफ 90s बॉलीवुड में अनिल कपूर का नाम डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जैसे श्रीदेवी को उन्होंने थप्पड़ मारा इन लाडला, वैसे ही श्रीदेवी को एक और बार थप्पड़ मारा लम्हे मूवी में, वो भी तब जब श्रीदेवी उनसे अपने प्यार का इजहार कर रही होती है. नाउ माई फेवरेट स्लैपिंग किंग ऑफ 90s बॉलीवुड मूवीज इज सुनील शेट्टी, और उनका जोरदार थप्पड़ जो वो दिलवाले मूवी में मारते हैं. सो देयर इज अ ब्यूटीफुल सीन व्हेन ही इज आस्क्ड टू अपोलोजाइज टू सम करप्ट पीपल, एंड ही हैज टू, एंड ही कीप्स अपोलोजाइजिंग, ही कीप्स सेइंग सॉरी, लेकिन वो उनसे कहते रहते हैं कि कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया. उसके बाद सुनील शेट्टी उनको जोरदार थप्पड़ मार के सॉरी बोलते हैं, और कहते हैं कि शायद अब आपके कान के पर्दे खुल गए होंगे. ए, इन्होंने कहा एक बार फिर माफी मांगो, हम कम सुनते हैं. इससे शायद आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे. सो दिल मूवी याद है आपको, उसमें भी जब सईद जाफरी जो कि माधुरी दीक्षित के पापा हैं, जब उनको पता चलता है कि अनुपम खेर ने उनके साथ खिलवाड़ किया है, मतलब उन्होंने अपने आप को एक अमीर आदमी प्रेजेंट किया बल्कि वो एक कबाड़ी वाले हैं, तो वो महफिल में सबके सामने माइक पे उनकी इंसल्ट करते हैं और उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ मारते हैं. स्लैपिंग किंग्स ऑफ 90s बॉलीवुड में अगला जो स्लैपिंग सीन है, दैट इज हसीना मान जाएगी फिल्म से संजय दत्त. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट स्लैप सीन्स, कि परेश रावल ना एक वॉचमैन है अनुपम खेर के बंगलों में, जहाँ पर कुछ गलतफहमी हो जाती है और संजय दत्त एंटर करते हैं बंगलों में, लेकिन परेश रावल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और संजय दत्त उन्हें इतना जोरदार चांटा मारते हैं कि उसके बाद ना परेश रावल जब भी संजय दत्त के सामने आते हैं ना, तो अपने दोनों गालों पर हाथ रख देते हैं.
तू मार जाओ, अंदर नहीं जा रहा। स्लैपिंग किंग्स ऑफ 90s बॉलीवुड में सनी देओल कैसे पीछे रहेंगे? तो अर्जुन पंडित में वो भी जूही चावला को बहुत जोरदार चांटा मारते हैं, बल्कि जूही चावला उन्हें सच्चाई बता रही होती है, उनसे कह रही होती है कि अगर वो उनकी इज्जत के लिए नहीं लड़ सकते तो वो उनके साथ रहना कभी नहीं चाहेंगे। तुम जैसे कार को अपनाने से तो अच्छा होगा मैं उस गुंडे की रखेल बन जाऊंगी। बेचारी जूही चावला ने बहुत थप्पड़ खाए हैं 90s बॉलीवुड मूवीज में। नाउ दिस वन इज फ्रॉम हम है राही प्यार के। हम है राही प्यार के में ना जूही चावला जो है शादी नहीं करना चाहती हैं उस इंसान से जो उनके पापा ने उनके लिए चूज़ किया होता है, और जब वो अपने पापा से इस बात पे बहस करती हैं, मतलब महफिल में लड़ती हैं, पार्टी चल रही होती है, तो वो अपनी बेटी को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। फिर कुछ ऐसे थप्पड़ भी होते हैं जो आप मजाक मजाक में किसी को मार देते हैं और सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ। जैसे कि इश्क मूवी में एक साले का रोल प्ले किया है, अपने जीजा के साथ रहते हैं जॉनी लीवर, और उनके जीजा जी कौन है, सदाशिव अमरापुरकर, जो गरीबों से बहुत नफरत करते हैं। और एक सीन में ना जॉनी लीवर उन्हें बेवजह बिना किसी रीजन के थप्पड़ मार देते हैं। खाने का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, अरे तूने मुझे मारा, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। नाउ द नेक्स्ट स्लैपिंग किंग ऑफ 90s बॉलीवुड इज कादर खान साहब। सो दूल्हे राजा फिल्म में ना कादर खान बहुत नफरत करते हैं गोविंदा से, बिकॉज कादर खान का जो अच्छा सा होटल है उसके सामने एक ढाबा खोल के बैठ जाते हैं गोविंदा, और उसके बाद वो उनकी बेटी रवीना टंडन से प्यार भी करने लगते हैं, जो बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता कादर खान को। और जब गोविंदा उनसे आशीर्वाद मांगते हैं तो वो उनको आशीर्वाद नहीं, एक जोरदार चांटा मारते हैं। आशीर्वाद तो मैं जरूर दूंगा। स्लैपिंग किंग्स ऑफ 90s बॉलीवुड में सलमान खान का भी नाम नहीं भूल सकते हम। सो रिमेंबर इन द यू नो स्लैपिंग क्वींस ऑफ 90s बॉलीवुड में मैंने आपको बताया था कि जानम समझा करो मूवी में उर्मिला मातोंडकर सलमान खान को थप्पड़ मारती हैं, तो उसका बदला ले लेते हैं सलमान खान। इसी फिल्म जानम समझा करो में सलमान खान भी उर्मिला मातोंडकर को थप्पड़ मारते हैं। बाप दादा की कमाई पर ऐश नहीं करती। सो दीज वर माई स्लैपिंग किंग्स ऑफ 90s बॉलीवुड, और हमेशा की तरह अगर आपको कोई याद आ रहे हैं तो प्लीज़ पुट देम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑफकोर्स अगर आपको 90s की बातें और 90s के गाने सुनने हैं और आपको अच्छे लगते हैं, देन मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन गाना गाना पे जो मेरा शो आता है कॉल्ड 90s की कैसेट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ यू नो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड स्पेशली पीपल हु स्टिल क्रेव फॉर 90s, हु लव 90s, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्या करना है, सिर्फ स्माइल करते रहना है।